और ये हम काम करने लगे। करना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब यहाँ ऐसी स्थिति में बोले कौन ससुराल में, इसलिए ये काम करना पड़ा। जैसा चला आ रहा पूर्वजों से वैसे हम भी कर रहे। और उसके बाद से ये बाल भी निकल जाते ऐसे से, कुछ कुछ सिर पे टोकरा रखने से बालों ने ऐसे से हो जाते, और फिर ये हाथों में ऐसे ऐसे फुंसी पड़ जाती, राग डालती है नी तो वो ऐसे पड़ जाती छेक के छेक। और कोई है तो बारिश में तो मैं दो एक बार गिर भी गई, ऐसे गिर जाते लेके उसको, तो दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगा था। सिर्फ एक ही है जो गरिमा अभियान वाले आए, उन्होंने भी साल भर दो साल तक के आते रहे यहाँ, बताते रहिए कि ये काम छोड़ दो छोड़ दो। ये जो कानून बना हुआ है ऐसे करके हमने उन लोगों को भी बुलवाया जिनके यहाँ कच्चे लेटरिंग थी, उन लोगों को भी बताया कि ये गैर कानूनी है जो ये काम करती थी भाई। जब ऐसा हमको महसूस हुआ कि ये वाकई में 10 रुपया एक महीने में मिल रहा है, इसकी जगह अगर अपन कहीं दाड़ की जाओ दूसरी अगर अपन काम करो तो वहाँ 30 रुपया मिलता है। जैसे आप कभी जाते होंगे सिर्फ मान सम्मान और इज्जत की बात ये लोग भी करते हैं और हम लोग भी यही बात बोलते हैं। 21 फरवरी 2002 को ये काम पूरा बंद कर दिया। पहले तो हमको डर ही लग रहा था, लेकिन जब हम निकल तो गए एक बार के, लेकिन जो बाद में जैसे हम खुले दिल से हुए ऐसे शुरू में हमको बिल्कुल भी नहीं वो हुआ। अगर एक करेगा और एक काम कर रहा तो उसका मतलब कुछ नहीं। अगर समाज से ही पूरा ये निकालना हो तो गरिमा अभियान ही है, वही उन्होंने ये समझा और उन्हीं के तौर पे हम चल रहे हैं। तो एक हमारे ऊपर एक हाथ रहता है कि नहीं, कि आप आगे बढ़ो हमें, कि हम सब एक है, आवाज दो एक है, ये सब पूरा एक्शन एड और गरिमा अभियान का ही है।